हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो होली स्पेशल होने वाली है और होली के दिन चाट पकौड़ी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए फिर बनाते हैं मज़ेदार समोसे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ लगभग 1 चम्मच जीरा, और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया। जब ये दोनों हल्के से पकने लगे तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 हरी मिर्च और फिर थोड़ा सा नमक, और फिर डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी मटर। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सबको अब छोड़ देंगे थोड़ा पकने के लिए। 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। मैं 4 से 5 आलू का यूज़ कर रही हूँ, इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, जिससे हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा। फिर डाल दिया था मैंने इसमें चिली फ्लेक्स। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हरा भरा कोरिएंडर, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। अब आलू का मसाला तैयार है, इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैंने एक परात में ले लिया है थोड़ा सा मैदा, ये मैंने लगभग 2 कप मैदा का यूज़ किया है। फिर डाल दिया मैंने अजवाइन, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी। अगर आप घी की जगह ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे कि बाइंडिंग हो रही है नहीं। बाइंडिंग तो अच्छे से होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसको गूंद लूँगी। तो अब देखिए मैदा अच्छे से गूंद गई है, इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं। अब 5 से 10 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट किए हुए। मैं इसको एक बार ऐसे गूंद लूँगी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें से मैं बना रही हूँ छोटी छोटी सी लोइयाँ। जितना आटा हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उतना ही मैंने मैदा ले लिया है। एक लोई बन गई है मेरी, अब मैंने सारी लोई बना ली है जल्दी से। बढ़ते हैं समोसा बनाने के प्रोसीजर पे। तो मैंने एक लोई ले लिया है, इसको मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, और मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, और मैंने चकले के ऊपर भी ऑयल लगा दिया है। अब इसको अच्छे से बेल लेंगे, इसको ओवल शेप में ही बेलना है ताकि जो समोसे की शेप है वो अच्छे से आए। मैं इसको दोनों साइड से अच्छे से बेल रही हूँ ताकि इसकी परफेक्ट ओवल शेप बन जाए। अब मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ, तो इससे हमारे 2 समोसे बन जाएंगे। एक पार्ट ले लिया है, उसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और जो बीच का पार्ट है उसको मैं ऐसे लॉक कर रही हूँ प्रेस करके। चाहे तो इसमें स्लरी भी लगा सकते हैं। अच्छे से बन गया है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आलू का मसाला। देखिए ऊपर तक फीलिंग भर गई है अच्छे से। अब इसको साइड से भी लॉक कर देंगे। इस पर भी आप स्लरी लगा सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लॉक कर रही हूँ। तो देखिए सारे समोसे अच्छे से बन गए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ एक एक करके समोसे। आपके घर में होली वाले दिन क्या बनता है, या होली से 1-2 दिन पहले क्या तैयारी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। समोसे एक साइड से पक गए हैं, मैं इनको पलट के फ्राई होने दूंगी दूसरी साइड से। तो देखिए अब दोनों साइड से पक गए हैं और अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन रंग आ गया है इस पर। अब चलते हैं इसको सर्व करने। लग रहे हैं ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल समोसे। तो मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है हरी चटनी के साथ, और दूसरी प्लेट पे मैंने सर्व किया है इसे रेड चटनी के साथ। आप समोसे के साथ कौन सी चटनी खाना प्रेफर करते हो? मुझे तो ग्रीन चटनी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर भी आ गया है इन पे। अब देख लेते हैं इन्हें खोल के कि फीलिंग कितनी अच्छी और कितनी भरी हुई है इसमें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए फिलिंग तो बहुत अच्छे से भरी हुई है, अब ज़रा इन्हें खा लेते हैं। मैं इस चैनल पे और भी होली स्पेशल वीडियो ज़रूर लाऊंगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। ये वाले समोसे ऐसे लग रहा है कि किसी बाज़ार से लेकर आए हैं हम। इसका टेस्ट भी बाज़ार जैसा ही है। मुझे पता है आप लोगों का बड़ा मन कर रहा होगा कि अभी जाके समोसे बना ले, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और समोसे एंजॉय करो। और इमेजिन करो कि आपके एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में समोसे हो गर्मा गर्म और हरी चटनी के साथ, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। होली खेलने के बाद हम इतना थक जाते हैं कि हमें कुछ मज़ेदार और अच्छी चीज़ खाने का मन करता है, तो समोसे बना के ज़रूर खाना।
और अगर आपको ये स्ट्रीट स्टाइल समोसे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।